नमस्कार साथियों, साउथ अमेरिका के इस नए मैपिंग के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने भी हमारे पिछले उन सेशंस को नहीं देखा है, जिसके अंदर हमने नॉर्थ अमेरिका और इंडिया की कंप्लीट मैपिंग कवर करी हुई है, वो उन लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी गई है। आप वहाँ जाकर उस पर उन सेशंस को देख सकते हैं। साथ ही आज हम साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैपिंग को कवर करेंगे और डेप्थ में एनालिसिस होगा इसका। आप लोग अपना एटलस अपने सामने रखेंगे, जो भी पॉइंट हम पॉइंट आउट करेंगे उनको आप अपने मार्कर हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे, और जो भी फैक्ट हम बताएंगे उनको आप वहीं पर नोट कर लेंगे, ताकि रिविजन में आपको आसानी रहेगी। साथ ही आप लोगों में से जो लोग भी इस सेशन को सुन रहे हैं, यदि आप लोगों को हमारा यह सेशन पसंद आए तो आपका एक लाइक इस सेशन के लिए बनता है, तो आप लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन साउथ अमेरिका की पॉलिटिकल मैपिंग के साथ। अपने एटलस को खोल लीजिए, साउथ अमेरिका वाला जो एटलस है उस का पेज है उसे ओपन कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे साउथ अमेरिका के अंदर कौन सी कंट्रियाँ आती हैं और उन कंट्रीज की कैपिटल क्या है उसको देखेंगे, और उनसे संबंधित जो भी फैक्ट रहेंगे हम उसको आपको साथ के साथ बताते हुए चलेंगे। आप अपने आप को लोकेट करेंगे सबसे पहले वेनेजुएला के पास, एक सेकेंड ये कवर करिए। वेनेजुएला के पास आप अपने आप को लोकेट करेंगे, और वेनेजुएला की जो कैपिटल है ये यहाँ पर, इसको आप बोलेंगे काराकास, काराकास, वेनेजुएला काराकास। उसके बाद हम आ जाएंगे कोलंबिया के पास, कोलंबिया की कैपिटल रहेगी आपकी बोगोटा। पहली कंट्री ये हो गई, दूसरे नंबर की कंट्री ये हो गई, तीसरे नंबर की कंट्री जो आ रही है यहाँ पर वो है इक्वाडोर, जिसकी राजधानी होगी आपकी क्यूटो। चौथे नंबर की राजधानी आपकी आएगी पेरू, जिसकी राजधानी होगी लीमा। पांचवा बोलीविया, बोलीविया की राजधानी आपकी मिलेगी लापास। बोलीविया जो है ये टिन के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है साउथ अमेरिका में, और वर्ल्ड लेवल पर इसको टिन के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अब आपको यहाँ पर मिलेगी चिली, जिसकी राजधानी आपको मिलेगी सैंटियागो। चिली जिसकी राजधानी आपको मिलेगी सैंटियागो। उसके बाद आपको मिलेगी यहाँ पर अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी मिलेगी आपको मोंटेविडियो। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा परुग्वे, परुग्वे, परुग्वे की राजधानी जो है वो मिलेगी आपको एसेंशन, एसेंशन। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ब्राजील, और जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया, ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी है। उसके बाद हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, छोटे छोटे देश हैं जिनको आप ध्यान से देखेंगे और मैप करते मार्क करते हुए जाएंगे, हाईलाइट कर लीजिए। अभी मैं इनके संबंध में आपको फैक्ट भी बताने वाला हूँ। पहली कंट्री है यहाँ पर जो जो नॉर्थ आप कह सकते हो उसको, उत्तर पश्चिम की दिशा में है। पहली कंट्री इधर से मिलेगी आपको फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, जिसकी कैपिटल है केने, केने, फ्रेंच गुयाना कैपिटल है केने। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगी सूरीनाम, सूरीनाम की राजधानी आपको मिलेगी पारामारिबो, पारामारिबो, ये जो कैपिटल है पारामारिबो, आप अपने मैप में मार्क कर लेंगे। आपके मैपिंग में लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर लिखने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप बस सुन लीजिए और लिख लेना है आपको। एक कंट्री मिलेगी आपको गुयाना, गुयाना कंट्री मिलेगी, गुयाना में जो राजधानी मिलेगी वो मिलेगी आपको जॉर्ज टाउन। इस तरीके से यहाँ से कंप्लीट हो गया आपका जो भी साउथ अमेरिका के जो 12 कंट्रीज हैं उनको ये कैपिटल लेटर में, मतलब उसमें दिए हुए हैं सीक्वेंस में, हमने आपको बताया है मैपिंग के सीक्वेंस में। आप इसी ढंग से इसको याद करेंगे, और कंट्री के लेवल पे कई बार पूछा जाता है, जब मान लो गुयाना लिखा हुआ हो और उसमें लिखा हो गुयाना अफ्रीका का एक राष्ट्र है, तो आपको पता होना चाहिए साउथ अमेरिका का राष्ट्र है। यहाँ गुयाना के संबंध में एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि आपने बहुत सुना होगा एरियन प्रक्षेपण केंद्र, एरियन प्रक्षेपण केंद्र के संबंध में आपने काफी बार सुना होगा, न्यूज में रहता है एरियन प्रक्षेपण केंद्र। जिस प्रकार से हमारा श्री हरिकोटा से प्रक्षेपण केंद्र है, उसी तरीके से यहाँ पर फ्रांस का एरियन प्रक्षेपण केंद्र केंद्र है, जो आपका कहाँ पर मिलेगा, गुयाना में देखने को मिलेगा। पहली बात आप यहाँ पर यह देख याद कर लेंगे। दूसरी, इसी जो साउथ अमेरिका है यहाँ पर एक लिथियम का ट्राइंगल देखने को मिलता है, लिथियम का ट्राइंगल। अब ट्राइंगल है तो तीन कंट्रीज के में शामिल की जा रही है। अब आपको इसकी ट्रिक याद कर लेनी है, वो ट्रिक है ए बी और सी। ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर बोलीविया, और सी फॉर चिली। अर्जेंटीना, बोलीविया,
और चिली, इन तीनों को मिला के कर दो कौन सा ट्राइंगल, लिथियम ट्राइंगल। आप इसको याद रखेंगे अपने मैपिंग पे, एटलस के ऊपर मार्क कर लीजिए। जिस प्रकार से आपको यूट्यूब के ऊपर या फ्री में इस प्रकार की डेप्थ मैपिंग कराई जा रही है, तो आप उसका लाभ उठाएं और उसको अपने एटलस पे मार्क करें। रिवीजन के लिए आपको आसानी रहेगी, आप अभी से मार्क करके रखेंगे, आगे आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन इसके सॉल्व कर पाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। यहीं पर इसी आइलैंड, इसी क्या नाम है, कॉन्टिनेंट को लेकर हम दो बात और बताएंगे। दो कंट्री हमने आपको यहाँ पर बताई थी, एक कंट्री थी परुग्वे और दूसरी कंट्री है बोलीविया। ये दो जो कंट्री हैं, ये दोनों इस कॉन्टिनेंट की लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री वो जिसकी सीमा समुद्री क्षेत्र से कहीं भी टच नहीं होती है, सार चारों तरफ लैंड होता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर इसमें पेरू मिलेगा, इधर चिली मिल जाएगा, नीचे अर्जेंटीना मिल जाएगा और इसके नीचे उरुग्वे, इधर ब्राजील। ये इस प्रकार से परुग्वे और बोलीविया, ये दो लैंड लॉक्ड कंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी साउथ अमेरिका के ऊपर। एक रीजनल ग्रुप है इसी कॉन्टिनेंट का, जिसे मरकासुर के नाम से जाना जाता है, मरकासुर। इसका अगर गठन की बात करें या फॉर्मेशन की बात करें, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1995 में। इसके अंदर इस कॉन्टिनेंट के चार कंट्री शामिल की गई हैं, जिसमें पहली आपको देखने को मिल जाएगी ब्राजील, दूसरी आपको मिलेगी अर्जेंटीना, तीसरी मिलेगी इसमें परुग्वे, चौथी मिलेगी इसमें उरुग्वे। ये ब्राजील, बोलीविया, परुग्वे और उरुग्वे, ये बापू। इस ट्रिक से आप याद रख पाएंगे इसको, बापू। बापू क्या है, मरकोसुर के सदस्य देश हैं बापू, ब्राजील, अर्जेंटीना, परुग्वे और उरुग्वे। और साथ ही आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में है, मोंटेविडियो। इतनी बात आप इसमें मरकोसुर के संबंध में याद रखेंगे। अब इसी कॉन्टिनेंट में एक एंडीज पर्वतमाला है, तो यहाँ से एंडियन कंट्री का नाम पड़ता है। एंडियन कंट्री के रूप में जिन देशों को जाना जाता है, उसके संबंध में हमें यदि आपसे बात करें तो इसमें आएगी चिली, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर और कोलंबिया। ये इतनी कंट्री आती हैं इंडियन कंट्री के रूप में। तो इतनी बात आप, मुझे उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम इस कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर करने का प्रयास करेंगे, जहां पर आपको हम फिजिकल मैपिंग को बताते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके साथ हम लास्ट में नदियों को देखते हुए और इसका मैपिंग को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आगे की मैपिंग। इस कॉन्टिनेंट पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतमाला पाई जाती है, एंडीज पर्वतमाला। सबसे पहले हमें देखना होगा कि एंडीज पर्वतमाला का विस्तार किन किन देशों में देखने को मिलता है। तो आप अपने आप को लोकेट करिए वेनेजुएला के ऊपर, हम पहले ही पॉलिटिकल में हमें बता चुके हैं कंट्री, तो आप वेनेजुएला के ऊपर लोकेट कीजिए वेनेजुएला। उसके बाद दूसरे नंबर की कंट्री रहेगी इसमें कोलंबिया, तीसरे नंबर की इसमें कंट्री रहेगी आपकी इक्वाडोर और चौथे नंबर की कंट्री आप इसमें देखेंगे पेरू। पेरू के बाद जब और आगे बढ़ेंगे पेरू के बाद, तो आप इसमें बोलीविया और बोलीविया के बाद आपको देखेंगे चिली और चिली के बाद आपको देखेंगे अर्जेंटीना। तो इस प्रकार से ये सात कंट्रीज हुई, इनमें एंडीज पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलेगा, जिसका एंडीज पर्वतमाला यानी वेनेजुएला से लेकर अर्जेंटीना तक। हमने इसी प्रकार से अपने कंट्री की जब इंडिया की मैपिंग कराई है, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से वह गुजरात से शुरू होकर और दिल्ली में मजनू के टीला नाम के स्थान तक चलती है। मजनू के टीला, जहां पर एक गुरुद्वारा, सिख गुरुद्वारा आपको देखने को मिलेगा, यहां तक इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार देखने को मिलता है। और यह जो एंडीज पर्वत है, यह फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, जो मोड़दार पर्वत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उस पर्वत का यह उदाहरण है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में एंडीज पर्वतमाला को जाना जाता है। यह जो इक्वाडोर हमने आपको बताया, जिसकी राजधानी क्यूटो है, इसके जो जीरो डिग्री लाइन है, इसके नीचे आप देखेंगे गैलापागोस एक आइलैंड है, जो कि इक्वाडोर के नियंत्रण में आता है। और यह आइलैंड आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर। और यह अभी हाल ही में चर्चा में था, इसलिए यह किसी भी रूप में क्वेश्चन में देखा जा सकता है, गैलापागोस आइलैंड, ये इक्वाडोर। साथ ही आप देखेंगे कि इक्वाडोर में जो एंडीज पर्वत का क्षेत्र इक्वाडोर के पास है, उसमें आपको ज्वालामुखी पर्वतमाला देखने को मिलेंगी, जिसमें पहली है आपकी कोटोपैक्सी,
यानी कोटोपैक्सी की जो लोकेशन है वो चिम्बाराजो जो ज्वालामुखी पर्वत है इससे ऊपर है, यानी कोटोपैक्सी नॉर्थ में है और चिम्बाराजो इसके साउथ में है। तो ये दो पर्वतमालाएं आपको इक्वाडोर में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, या इस प्रकार से कह सकते हो कि इक्वाडोर में जो एंडीज पर्वत का क्षेत्र है वहां पर आपको दो ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो देखने को मिलेंगी। यह जो कोटोपैक्सी है यह विश्व की सबसे ऊंची दूसरी सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। आप आगे बढ़ो यहाँ से आगे बढ़ के आइए, पेरू और बोलिविया की सीमा पर आपको एक लेक देखने को मिल रही होगी जिसका नाम है लेक टिटिकाका। आप अपने मैप में लोकेट करिए लेक टिटिकाका, यहाँ पर है, ये मैं निशान मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए एक लेक आपको देखने को मिलेगी, लेक टिटिकाका। इस लेक की जो विशेषता है वो आप देखेंगे कि ये विश्व में सबसे ऊंची नेविगेबल यानी नौगम्य झील है। यहाँ पर नेविगेशन किया जा सकता है यानी घूमा जा सकता है। तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित कोई लेक है तो वो है लेक टिटिकाका। इसकी अवस्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि यह पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब साउथ की तरफ मूव करेंगे यहाँ सर टिटिकाका के बाद, तो आप पेरू और चिली के बॉर्डर पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर अटकामा डेजर्ट के नाम से एक डेजर्ट देखने को मिल रहा होगा। अटकामा डेजर्ट, ये लोकेशन हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, आप भी मार्क कर लीजिए अटकामा डेजर्ट। इसकी विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, विश्व का सबसे शुष्कतम रेगिस्तान है। तो ये इतनी विशेषता आप इसकी याद करेंगे। इसी डेजर्ट में जो एक अरीका नाम का स्थान है यह घोस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी अरीका के साउथ में एक स्थान देखने को मिलता है चिक्यू कमाटा, नाम आप याद रखेंगे, ये लिखा हुआ है चिक्यू कमाटा। अगर आपके मैप में नहीं हो तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे चिक्यू कमाटा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर PPIS ऑफिशियल पर अवेलेबल है, आप वहां से जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपके मैपिंग में ये चीज़ें नहीं है या मार्क नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा ये मार्क किया हुआ जो मैप है इसको आप वहां से ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट नहीं देनी है आपको, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है। यदि आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो मैपिंग भी करनी है और जो भी टॉपिक जो भी सेशन PPIS के माध्यम से कवर कराए जा रहे हैं, कंप्लीट कराए जा रहे हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। और ये आने वाला जो UPSC का पेपर है, प्री का, और UPPCS का है, MPPSC का है, BPSC का, जितने भी स्टेट PSC के एग्जाम और UPSC का एग्जाम है उसमें मैपिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसको सुनते रहिए। यह जो चिक्यू कोमाटा है इसको तांवा की कैपिटल के रूप में जाना जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको यह बताया कि अरीका को घोस्ट सिटी माना जाता है। वहीं अरीका के साउथ में एक स्थान मिलेगा आपको चिक्यू कोमाटा, जिसे तांवा की कैपिटल के रूप में जाना जाता है। हमने अभी आपको एक कोटोपैक्सी पर्वत बताई थी, ज्वालामुखी पर्वत। हम अब आपको चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर एक और लोकेशन बता रहे हैं, यहाँ पर आपके मैप पर लिखा होगा जरूर से ओजोस डेल सलादो। यदि आपके मैप में नहीं लिखा है तो आप इस जगह चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर इसको लिख लेंगे ओजोस डेल सलादो। यह जो पर्वतमाला है ज्वालामुखी पर्वत है, यह विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। हमने कोटोपैक्सी के बारे में आपको बताया था, कोटोपैक्सी कहाँ पर है, यदि आपने ध्यानपूर्वक सुना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि कोटोपैक्सी पर्वत की लोकेशन कहाँ पर है। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी पर्वत है वह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। उसी क्रम में हम आगे आपको बता रहे हैं कि जो ओजोस डेल सलादो है यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो दो बातें यहाँ पर आपको मिल गई। उसी के साथ आप चिली में अपने आप को लोकेट करेंगे और जब चिली में आप पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपको एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी और उसका नाम होगा अकानकागुआ। यह यहाँ पर दी गई है अकानकागुआ, हमारे मैप में मार्क किया हुआ है माउंट अकानकागुआ। इसके संबंध में आपको जो फैक्ट जानना है, यह साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकानकागुआ है। इतनी बात आपको यहाँ पर जान लेनी है। आगे और बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ अपने आप को लोकेट करिए और आगे बढ़िए और पहुंचिए आप चिली के एक शहर वैलपराइजो के पास, जहाँ पर इसकी राजधानी है सैंटियागो, उसी के पास एक शहर आपको देखने को मिल रहा होगा वैलपराइजो। यह जो वैलपराइजो है
यह ट्रांस इंडियन रेलवे का वेस्टर्न जंक्शन है। जो बेल पराइजो है यह ट्रांस इंडियन रेलवे का वेस्टर्न जंक्शन है। ट्रांस इंडियन रेलवे का वेस्टर्न जंक्शन है चिली का बेल पराइजो। यह जो ट्रांस इंडियन रेलवे है यह कहाँ तक जाती है, तो आप इसको देखेंगे कि यह अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, यह ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स, यहाँ तक यह ट्रेन आती है। इसमें आपको जो जानने की बात है वो यह है कि सेंट यहाँ से बेल पराजो से ब्यूनस आयर्स के तक जाते में इसको एक दर्रे को पास करना होता है। इस पास को दर्रे को क्रॉस करना होता है। उस दर्रे का जो नाम है वो है उस पलाता दर्रा, उस पलाता पास। इतनी लोकेशन आप अपने आप को यहाँ पर हाईलाइट कर लो और जो मैंने बताया है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे और इसके आगे हम देखते हैं अब इसका जो दक्षिणतम भाग है उसके संबंध। इधर और दक्षिण की तरफ आएंगे तो आपको एक स्थान देखने को मिलेगा, पुंता अरेनास। यदि ये कभी क्वेश्चन में किसी भी रूप में आए आप याद रखेंगे इसको, पुंता अरेनास। आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जो लोकेशन है आपके मैप में यदि लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो इस वाली जगह पर आप लिख लेंगे टियरा डेल फियागो। टियरा डेल फ्यूगो इसको लिख लो, टियरा डेल फ्यूगो इसको आप यहाँ पर नोट कर लो अपने एटलस में। इसके बीच में आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलेगी, स्ट्रेट ऑफ मैगलेन, स्ट्रेट ऑफ मैगलेन। टियरा डेल फियागो को साउथ अमेरिका से जो स्ट्रेट अलग करती है उस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ मैगलेन। स्ट्रेट ऑफ मैगलेन साउथ अमेरिका को टियरा डेल फियागो से अलग करती है, जबकि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करती है। ये दो बातें आप याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि कनेक्ट करती है, तो आप तुरंत उत्तर देने के लिए कैपेबल हो सकते हो यदि आप ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुन रहे हो, तो आपको बता देना है स्ट्रेट ऑफ मैगलेन, स्ट्रेट ऑफ मैगलेन। उसके बाद आप जब और भी साउथ की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर एक स्थान मिलेगा उसुइया। उसुइया यह जो उसुइया है यह विश्व का दक्षिणतम अधिवासित क्षेत्र है, वर्ल्ड सदर्न रीजन है, मोस्ट सदर्न रीजन है। इसको विश्व का दक्षिणतम अधिवासीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब हम मूव करेंगे पश्चिम की तरफ, क्योंकि हम उत्तर से आए हैं दक्षिण की तरफ, अब हम पश्चिम की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे। और ये एंडीज पर्वतमाला है, इसका जो रेन शेडो रीजन है यानी हिंदी में इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। इसमें जो अर्जेंटीना का भाग है इसमें पेटागोनिया का प्लेटू आपको देखने को मिलेगा, पेटागोनिया का पठार, पेटागोनियन, पेटागोनियन पठार यह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये भेड़ पालन के लिए यह क्षेत्र बहुत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध भी है। इसी क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको समशीतोष्ण घास का मैदान एक देखने को मिलेगा, जिसे पंपास के नाम से जाना जाता है। यह आप बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजन करते हैं, पंपास, लानोस और कंपास। तो पंपास हमने आपको बता दिया है, अर्जेंटीना में एक पंपास देखने को मिलेगा आपको। और यह जो क्षेत्र है पंपास यह समशीतोष्ण घास का मैदान है और आपको यह अर्जेंटीना के अंदर देखने को मिल जाएगा। अर्जेंटीना उरुग्वे में भी है इसका क्षेत्र, लेकिन अर्जेंटीना विशेष रूप से इसके लिए जाना जाता है, तो इसलिए आपको यदि क्वेश्चन में अर्जेंटीना है तो अर्जेंटीना मार्क करेंगे, अदरवाइज आप इसको उरुग्वे को भी इसमें शामिल कर लेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे कि यह जो पंपास है यह समशीतोष्ण घास का मैदान है, ट्रॉपिकल नहीं है, इतनी बात आप इसके संदर्भ में याद। इस पंपास घास के मैदान के संबंध में एक फैक्ट आपको और याद रख लेना है कि यहाँ पर जो पशु उत्पादन है, पशुपालन किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास यानी कृत्रिम घास का उत्पादन किया जाता है, जिसे यहाँ पर अल्फा अल्फा के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि अल्फा अल्फा के संबंध में कुछ स्टेटमेंट लिखा होता है, तो आप याद रखेंगे पंपास क्षेत्र में जो आर्टिफिशियल ग्रास उगाई जाती है पशुपालन के लिए उसे अल्फा अल्फा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इसी में आगे बढ़ेंगे तो एक क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर ग्रांड चाको, ये ग्रांड चाको है, इसे मिक्स्ड वनस्पति प्रदेश के रूप में जाना जाता है ग्रांड चाको को। तो इसकी लोकेशन आपको बस यहाँ पर याद रखनी है कि इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो इसमें बोलीविया, बोलीविया नीचे से आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्जेंटीना, और इधर से आप देखेंगे तो इसमें ब्राजील।
तो ये कितनी जगह हो गई, अर्जेंटीना, सॉरी सॉरी, यहाँ पर परुग्वे है, ब्राजील नहीं है, परुग्वे है, परुग्वे आप यहाँ पर याद रखेंगे। ग्रान चाको का जो क्षेत्र है, यह ग्रान चाको का जो क्षेत्र किन देशों के अंतर्गत आता है, तो आप देखेंगे कि यह आता है बोलीविया, परुग्वे और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, बोलीविया और परुग्वे, इतनी बात आप यहाँ पर याद रख लेंगे। दूसरा, आगे बढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर मातो ग्रासो प्लेटू देखने को मिल रहा होगा, मातो ग्रासो प्लेटू। अब मातो ग्रासो प्लेटू की जो अवस्थिति है उसे भी आपको याद रखना होगा। तो इसके लिए आप याद रखेंगे कि यह ब्राजील के अंदर और बोलीविया के अंदर, ब्राजील और बोलीविया के अंदर देखने को मिलेगा मातो ग्रासो का प्लेटू। आप अपने एटलस में जब मार्क कर लेंगे ना, तो इनको बहुत आसानी से आप कर पाए करेंगे। अब ये जो ब्राजील है और बोलीविया है, ब्राजील और बोलीविया में जो मातो ग्रासो प्लेटू का विस्तार है, यह हमने आपको यहाँ पर बता दी। उसी के साथ जब हम और ऊपर बढ़ेंगे उत्तर पश्चिम की तरफ, तो आपको यहाँ पर एक क्षेत्र देखने को मिल रहा होगा, कंपोस। कंपोस पूरा नाम लिखा हुआ है, कंपोस कटिंगा, लेकिन यह कंपोस भी घास का मैदान है, लेकिन यह ब्राजील में पाया जाता है। आप इसको बी सी से याद रख सकते हो, ब्रा बी यानी सी, ब्राजील और सी, ब्राजील और सी यानी कंपोस। इस क्षेत्र को, यह जो कंपोस घास का मैदान है, जैसे आपने यहाँ पर पंपास देखा, यहाँ पर कंपोस देख रहे हो, ब्राजील में कंपोस घास का मैदान है। और इसकी विशेषता यह है कि यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है कंपोस, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है कंपोस। इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। ब्राजीलियन हाईलैंड की जो लोकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्राजील के पश्चिम की तरफ, सॉरी पूर्व की तरफ है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताना है मुझे, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। कि एक तो ये यहाँ पर ये जो है, एक सेकेंड, यह जो ब्राजीलियन हाईलैंड है, यहाँ से कुछ प्रमुख नदियाँ निकलती हैं जिनके नाम आप याद रखेंगे। एक तो नदी है ये पराना नदी, दूसरी नदी है यहाँ पर उरुग्वे नदी जो ये रही, और एक है सौ फ्रांसिको, सौ फ्रांसिस्को यह नदी। ये तीन नदियाँ आप याद रखें, मुख्य नदियाँ हैं जो ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती हैं। इसमें आप देखेंगे ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड है, ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए बहुत ही मशहूर है। तो यहाँ पर जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको यहाँ पर फजेंडा के नाम से जाना जाता है, फजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको फजेंडा के नाम से जाना जाता है। इतनी बात को आपको पता चल गई। उसी प्रकार से जब आप ब्राज़ील का जो दक्षिण पूर्व का भाग है, उसमें दो स्थान आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने एटलस में मार्क कीजिए, साओ पोलो, साओ पोलो आपको देखने को मिला होगा। दूसरा स्थान है यहाँ पर सेंटोस, साओ पोलो और सेंटोस। इस साओ पोलो से सेंटोस तक के बीच एक ट्रेन चलती है, जिस ट्रेन को कॉफी ट्रेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जो साओ पोलो है यह वर्ल्ड में कॉफी का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग सेंटर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। आगे जब हम बढ़ रहे हैं इसमें, तो यह जो साओ पोलो है, साओ पोलो ब्राजील का है, इसको मैनचेस्टर ऑफ ब्राजील भी कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और वस्त्र उद्योग यहाँ पर सबसे ज्यादा विकसित है ब्राजील के अंदर, इसलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ ब्राजील के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्राजील के जो उत्तर पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेगा केप डी सो रोक, केप डी सो रोक, इसी के पास में आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर यदि आपके एटलस में है तो अच्छा, नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए, रेसिफे, रेसिफे पोर्ट। इसकी विशेषता यह है कि यह वैश्विक स्तर पर चीनी निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण पोर्ट है। वैश्विक स्तर पर चीनी का एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता है, इसलिए इसे सुगर एक्सपोर्टिंग पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो सुगर एक्सपोर्टिंग पोर्ट, सुगर एक्सपोर्टिंग पोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, रेसिफे पोर्ट को। और उत्तर की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो आपको एक यहाँ पर हाईलैंड देखने को मिलता होगा, गोयाना हाईलैंड। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओर्निको। कौन सी नदी है? नदी है यहाँ पर ओर्निको, जो निकलती है गोयाना हाईलैंड से। ये निकल के जा रही है गोयाना हाईलैंड से, ओर्निको नदी। इस नदी पर एक वाटरफॉल पाया जाता है जिसका नाम है एंजल फॉल।
यह लोकेशन है, आप एटलस में अपने में मार्क कर लेंगे, एंजल फॉल इसका नाम है। और यह एंजल फॉल जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। एंजल फॉल है यह विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, इसकी बात आप याद रखें। इसी ओर्निको नदी और गुआना हाईलैंड के पास एक घास का मैदान और देखने को मिलता है जिसका नाम है आपका लानोस। मैंने आपको तीन बताई थी, पंपास, कंपोस और लानोस। यह जो लानोस है यह आप देख सकते हो कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो वेनेजुएला के क्षेत्र में आपको यह देखने को मिलेगा जिसका नाम है लानोस, घास का मैदान है। और यह भी कंपोस घास के मैदान की तरह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि पंपास जो घास का मैदान है ये समशीतोष्ण। लानोस उष्णकटिबंधीय है और कंपोस भी उष्णकटिबंधीय है। इसी के पास आपको एक लेक देखने को मिलेगी, लेक मराकाइबो। लेक मरा यह लेक साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक के रूप में जानी जाती है, लेक मराकाइबो। आप इसे याद रखेंगे, कहाँ पर है यह, वेनेजुएला में। यह जो लोकेशन है ये लेक की लोकेशन है, लेक मराकाइबो की, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी यह आप देख रहे होंगे। यहाँ पर नदी को अगर हम देखें तो यह अमेजन नदी है, ये अमेजन बेसिन का क्षेत्र है ये पूरा। और यह जो अमेजन बेसिन है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, जो इसका कैचमेंट एरिया है उसकी दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन बेसिन। और अमेजन बेसिन है अमेजन नदी, ये रही, यह एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र से निकलती है और यहाँ पर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यहाँ की जो फेमस नदी है उसमें एक दूसरी नदी अमेजन के बाद आती है, उरुग्वे नदी। इसके संबंध में हम आपको बता रहे हैं कि जो उरुग्वे नदी है यह अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में सीमा रेखा बनाने का काम करती है। इस जगह पर यह जो लोकेशन दिख रही है यहाँ पर ब्राजील की सीमा अर्जेंटीना से टकरा रही है, तो इसी जगह पर उरुग्वे नदी का बहाव देखने को मिलेगा। तो उरुग्वे नदी ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच सीमा बनाएगी। उसी प्रकार से जो ये पराना नदी है जो ब्राजीलियन हाईलैंड से फ्लो होती है, निकलती है, ये ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलने के बाद पराना सॉरी परुग्वे और ब्राजील के बीच में सीमा रेखा का काम करती है। कौन सी नदी? पराना नदी परुग्वे और ब्राजील के बीच में सीमा रेखा का निर्माण का काम करती है। जब यह नदी आगे बढ़ती है और अर्जेंटीना से बहते हुए उरुग्वे में प्रवेश करती है तो यह नदी अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में भी सीमा बनाने का काम करती है। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे कि यह पराना जो नदी है यह विश्व में ऐसी नदी है जो कि दो बार देशों की सीमा का निर्माण कर रही है, पहली बार ब्राजील और पराग्वे के बीच में और दूसरी बार अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में। अब हम साउथ अमेरिका का जो मैपिंग है इसको ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, इसमें अब कुछ बचा नहीं है, बाकी केवल अब दो लाइन क्रॉसिंग है उनको बताना रह गया था, जो हम आपको अब बता दे रहे हैं कि इसमें जो 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा की जो पासिंग है वो कहाँ से गुजरती है और बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से गुजरती है यह हम आपको बता देते हैं कि तो 0 डिग्री जो साउथ अमेरिका से गुजरेगी वो यहाँ के तीन देशों से गुजरेगी, इक्वाडोर, ये यहाँ पर ना होकर इधर ऊपर से गुजरेगी क्योंकि ये पेरू में नहीं गुजरती है। तीन कंट्री हैं, आप इसको याद रखेंगे, ये लाइन थोड़ी सी गलत ड्रॉ हो गई है, एक सेकेंड, इसको आप यहाँ से मार्क कर लीजिए। तो इक्वाडोर में गुजरेगी पहली, दूसरी यह कोलंबिया से गुजरेगी और तीसरी इसकी ब्राजील से गुजरेगी। तो जो 0 डिग्री की पासिंग होगी वो आपके इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से, ईसीबी से हो जाएगी। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है यह आपकी गुजरेगी यहाँ पे चिली से, चिली, अर्जेंटीना, परुग्वे और ब्राजील। चिली में आपके मैप में एक स्थान मिल रहा होगा एंटोफागास्ता, यह चिली में यहाँ पे 0 डिग्री सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरती है, यह इस स्थान से गुजरती है एंटोफागास्ता, और जहाँ से बाहर होती है वो स्थान है साओ पोलो जो कि ब्राजील में आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने ब्राजील सॉरी इसकी साउथ अमेरिका की जो मैपिंग है इसको कंप्रिहेंसिव ढंग से कवर कर लिया है। आप लोगों ने यदि ध्यानपूर्वक हमारा सेशन सुना है तो आप लोग जरूर से इसका लाभ अपने एग्जाम में उठा सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन करिए, और रिवीजन करने का इसका तरीका एक ही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए,
रटना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बार जब आप देखेंगे और हमारे वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके जो फोरहेड है, ये जो माइंड रहता है, इसमें आपके ये जो चीजें हैं सुनी हुई स्टोर हो जाएगी, तो आप इसको याद रख सकते हैं और एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप लोगों ने यह सेशन सुना, यदि आप लोगों को यह हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले जो भी प्रोग्राम हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आ सके, और जो भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट PDFs हैं जिनको हम टेलीग्राम पर अवेलेबल करा रहे हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।